असलम दोस्तों टायर के ऊपर जो नंबर्स होते हैं उनका हमें नहीं पता होता मेजॉरिटी ऑफ ड्राइवर्स डोंट नो ये जो नंबर्स होते हैं ये किस चीज़ के होते हैं इनका मतलब क्या होता है अभी मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ मोटर पर जा रहा था तो मैंने स्पेयर टायर निकाला है तो मैंने सोचा कि ये आपको इन नंबर्स के बारे में बता दूँ शाह साहब अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मैंने इनको तो बता दिया लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी इन नंबरों का मकसद आपको बताऊँ जी शुरू करते हैं ये जो इसमें ये जो आपको अगर टायर दिखा सकें तो ये आप देखें 165, सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव आर फोटीन सेवेंटी नाइन टी अभी ये मुख्तलिफ़ नंबर्स हैं इनका मतलब क्या होता है ठीक है अभी ये 165 है 165 का मतलब क्या है कि भाई इस टायर की चौड़ाई कितनी है ठीक है इस टायर की चौड़ाई है एक मिलीमीटर ठीक हो गया अभी चौड़ाई कौन सी होती है ये मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ ये है जनाब चौड़ाई ठीक है ये वाली चौड़ाई है ये है 165 सिक्सटी ठीक है अच्छा उसके बाद आ जाते हैं जी दूसरा नंबर कौन सा था 65। अभी 65 क्या है वो है ये साइड वाल की चौड़ाई साइड वाल की साइज़ यहाँ से यहाँ तक 65 ये मिलीमीटर्स mm में नहीं है ये 165 का 65 परसेंटेज जितना भी बनेगा वो ये साइज़ होगी मिली mm में अच्छा उसके बाद आ जाते हैं आर आर फार ये कंस्ट्रक्शन टाइप होता है आर फार रेडियल कंस्ट्रक्शन चौदह क्या है ये टायर की साइज़ है यानी चौदह इंच का डाई मीटर है इस गाड़ी का यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको कैलकुलेट करें वैसे कैलकुलेट करने के और भी तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको सिम्प्लीफाई कर देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो साइज़ है वो है चौदह इंचज़ ये चौदह का टायर है और उसके बाद ये क्या है जी सेवेंटी नाइन सेवेंटी नाइन है जनाब लोड इंडेक्स यानी इस गाड़ी के ऊपर हम कितना लोड उठा सकते हैं यानी टायर इस गाड़ी के कितना लोड बर्दाश्त कर सकते हैं ठीक है अभी ये सेवेंटी नाइन का हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेवेंटी नाइन क्या है के जी है या पाउंड से या क्या है ये मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ उस चार्ट में आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी ये सामने आपके चार्ट नज़र आ रहा है इस चार्ट में आपको मुख्तफ ये नज़र आ रहा है सेवेंटी सेवन 71, एट 73। वन सेवेंटी टू सेवनटी थ्री इसका मतलब इसके सामने लिखा हुआ है ये देखें जिस तरह सेवेंटी वन है इसके सामने लिखा हुआ है सात सौ इकसठ सेवन सिक्सटी वन यानी सेवन सिक्सटी वन पाउंडस जिसके ऊपर 71 वन लिखा होगा वो सात सौ इकसठ पाउंडस टायर बर्दाश्त कर सकता है लोड अभी इस टायर पर लिखा हुआ है सेवेंटी नाइन ठीक है जी अभी 79 नाइन ये आपके सामने है जी नाइन सिक्सटी थ्री पाउंडस लोड कैपेसिटी ये बर्दाश्त कर सकता है नाइन सिक्सटी थ्री पाउंडस को अगर हम के जी में कन्वर्ट करें तो वो मेरा ख्याल है तकरीबन चार सौ चौंतीस या इस तरह कोई बन जाएगा यानी चार सौ तीस चार सौ चौंतीस इतना वज़न ये टायर बर्दाश्त कर सकता है मैक्सिमम मैक्सिमम ठीक है जी अच्छा उसके अलावा टी टी का मतलब भी यही होता है ये भी सिंबल्स होती हैं इसका मतलब होता है कि आपका टायर कितनी मैक्सिमम स्पीड पे चल सकता है मैक्सिमम स्पीड पे यानी पूरे मैक्सिमम लोड के साथ मैक्सिमम कितनी स्पीड पे चल सकता है इसका भी मैं आपको सामने चार्ट दिखा देता हूँ ये है जी चार्ट जिसमें आपको नज़र आ रहा है एम एन पी क्यू आर डब्ल्यू जेड एस टी यू वी एच वाई ये सारी चीज़ें अभी इसके ऊपर लिखा हुआ है टी तो टी को अगर हम देखें तो इसके सामने लिखा हुआ है एक सौ अट्ठारह माइल्स पर आर यानी माइल्स में ये बता रहा है अगर हम इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 180 एटी का राउंड अबाउट बन जाएगा और इस गाड़ी की जो स्पीड है वो भी वन एटी है मैक्सिमम ठीक है जी और एक जो मोस्ट क्रूशल चीज़ है जब आप टायर ख़रीदने जाते हैं तो आपने वो सारी चीज़ें तो देखनी ही देखनी है लेकिन टायर की मैनुफेक्चरिंग डेट भी देखनी है अभी वो कहाँ पर होती है वो जी यहाँ पर होती है क्लियरली ये लिखा हुआ है जी वन फोर टू वन यानी 2021 साल हैं और ये 14 हफ्ते हैं ठीक है यानी 2021 के चौदवें हफ्ते में ये टायर बने हैं ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसकी और इस टायर की एज क्या होती है या तो इसकी जो ये ट्रेड है ये वाली जो ट्रेड है ट्रेड के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा एक मेरी बनी भी हुई है ट्रेड 1.6 मिलीमीटर mm से कम हो जाए या आपके टायर को तकरीबन कोई पाँच छः साल हो जाएं, तो आपने टायर को चेंज कर लेना है ठीक है चार साल कोई बताता है कोई बताता है पाँच साल कोई कहता है छः साल तो मैं मेरी सुई पाँच साल पर अटकी होती है पाँच साल के अंदर आपने टायर को लाजमी चेंज करना है ठीक है तो यही चीज़ें होती हैं बाकी भी और चीज़ें लिखी होती है टेम्परेचर और ये वो मेड इन पाकिस्तान मेड इन जापान या मेड इन फ़लाँ फ़लाँ ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं लेकिन जो नंबर्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते वो चीज़ें तो हमने पढ़ने से समझ लेते हैं ना हम लोग लेकिन ये हमें समझ नहीं आती आम बंदे को पता नहीं होती तो इसको आपने क्रैक करना है तो इनशाला फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए इजाज़त लाला हाफ़ थैंक यू वेरी मच